अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन न्यूज़ चैनल्स के बारे में जो अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यहां पर यह घटना हो गई है, यहां पर यह मर गया, वहां पर वो मर गया, उसकी बीवी उसके साथ भाग गई। लेकिन अपने देश की बेटी जो अपने देश की रक्षा के लिए पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करती है, पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करते हुए कुछ दरिंदों के हाथ में दर्दनाक मौत मारी जाती है, उस न्यूज को आप क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों आज तक, क्यों एबीपी न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों अर्नब गोस्वामी, बहुत ही इंसाफ की बातें करते हो ना तुम, बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर कहते हो। उस दिन जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत में उस बड़े आदमी का हाथ है, उनकी मौत एक साजिश है, कह रहे थे ना तुम। लेकिन आज राबिया सैफी की मौत हुई तो तुम क्यों नहीं कह रहे कि ये साजिश है, इसमें बड़े बड़े आदमियों का हाथ है? क्यों नहीं कह रहे? अरे टुकड़ों पर पलना छोड़ दो, ऊपर से टुकड़े पड़ना कम हो गए, बंद हो गए ना, भीख मांगते फिरोगे तुम, तब सड़कों पर भीख मांगते फिरोगे, भिखारी बन जाओगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों मोदी जी, कहां गई आपकी योजना? क्यों उन दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? क्यों राबिया मुसलमान है ना इसीलिए? क्यों केजरीवाल जी, क्यों आप चुपचाप बैठे हैं? उन दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप चुप बैठेंगे ना तो यहां की जनता चुप नहीं बैठेगी, तब तक आवाज उठाएगी यहां की जनता जब तक राबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। आप अगर चुप बैठेंगे तो यहां की जनता खामोश नहीं रहेगी, और आप भी कुछ कम नहीं है। अगर यहां पर कोई सेलिब्रिटी मर जाता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उनकी पोस्टर डाल देते हो, आरआईपी सर, आपके जाने का हमें बहुत ही गम हुआ है। लेकिन यहां पर एक देश की बेटी जो दर्दनाक मौत उन दरिंदों के हाथ में आकर मर गई, उसका पोस्टर डालने वाला यहां पर कोई नहीं है। क्यों ऐसा करते हो भाई? इंसाफ के लिए एक कदम आगे रखिए, आवाज उठाइए। अगर आप लड़ना नहीं जानते तो आवाज उठाइए, अगर लड़ना जानते हैं तो आगे बढ़कर आइए, प्रोटेस्ट करिए। लेकिन आप नहीं करेंगे, ऐसा मत करो भाई। आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगा, जब तक आवाज बुलंद कीजिए तब तक राबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर आप चुप बैठेंगे तो ये भी चुप बैठ जाएंगे। आवाज अपनी बुलंद कीजिए और प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए, कोई भी किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हो। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।